चल तो रहा है। राइट माई सेल्फ महेश बोगड़ा फॉर ए बी एस एल एम न्यूज चैनल फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड एज वेल एज दैनिक सचको न्यूज के लिए फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड। नाउ राइट नाउ स्टैंडिंग इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड जस्ट बिफोर 2 hours जस्ट वी केम टू नो गंगोत्री मेल दे मेल 108 द इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस विच वॉज स्टार्टेड बाय द बीजेपी गवर्नमेंट while the Khandudi government as well as Ramesh Pokhriyal was the chief minister of Uttarakhand. That period it was started and we came to know when we called up to the responsible officer here, we came to know only 3 is running on the roadside out of the 10. Now let us see, we visit to here in hospital and so many problems with here. Just few days back we know the 14 people were killed cause of the accident when the case was referred in the district hospital and they were not get the proper treatment over here. Even the one girl was the died cause of this one. And just 4 or 5 days back it was declared by the BJP government as well as our representative of the Uttarkashi, they have declared, and with the district magistrate Dr. Ashish Chauhan with other the representative, they have declared and they are providing a facility. And let us see whether it is up to the mark or not, what they have been, what they are getting over here. And now right now I am in hospital. Let the ask to patient really what the improvement has been looking over here. Mahesh Bogana for ABSLM channel from Uttarkashi to Uttarakhand. और चलता हूं अपने हिंदी चैनल के लिए। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में हूं और जहां पर अभी गंगोत्री मेल एज वेल एज हमने जब अभी 2 घंटा पहले पूछना चालू किया तो पता लगा कि जस्ट सिर्फ मात्र 3 108 नंबर की जो सेवा है सिर्फ 3 चल रही है रोड पर। और सरकार के दावे, सरकार ने बहुत कुछ दावा किया अभी जस्ट फ्यू डेज बैक, 2 दिन पहले पता लगा था कि बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली है, न्यू मशीन आने वाली है। देखते क्या वास्तविक ऐसा धरातल पे हुआ है या नहीं, देखते गवर्नमेंट के वादे, गवर्नमेंट के प्लस हमारे जो यहाँ पर प्रतिनिधिगण हैं, क्या वास्तविक ऐसा धरातल पे हुआ है। देख रहे ये लेफ्ट साइड में पेशेंट पड़े हुए हैं और मेरे लेफ्ट साइड में फुल है हॉल एज वेल एज राइट साइड में भी पूरे पेशेंट फुल है। और देखते हैं कुछ यहाँ पर हमारे लोग हैं जो हॉस्पिटल में आ रखे हैं। आपका नाम क्या है जी? गोपाल मोटिया। अच्छा, आप यहाँ किसके साथ आ रखे हैं? अपने बालक के साथ। क्या आपको लग रहा जो आप यहाँ पर आए थे वो फैसिलिटी मिल रही आपको, ये क्या देखने को मिल रही? व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि व्यवस्थाएं पूरी दे और ये मरीज जो है स्वस्थ होकर जाए यहाँ से। पूरी फैसिलिटी नहीं है अभी तक और सरकार के दावे कि सब कुछ ठीक हो गया है। और क्या आप कैसे ये सब ठीक हो सकता है, कुछ अपने उसे सुझाव देंगे आप? इसमें जो है सरकार की सुविधाएं तो पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट सरकार की सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत नौटियाल जी धन्यवाद। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी कहाँ से आया? शरण धोती से आया। क्या है आप पेशेंट, कौन है आप यहाँ? सर मेरे पापा को तकलीफ है। क्या फैसिलिटी कब हो गई एडमिट यहाँ पर? सर मैं कल आया था। क्या आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है? जो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या कंप्लेंट है आपकी? कंप्लेंट है सर, कल मैं कल आया था, आज सुबह एक हमारे जस्ट बगल में एक आदमी उसको पैरालिसिस हो गया था। पैरालिसिस हो गया था जी। ठीक है सर, अब मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, वो आने के उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कौन किसको बुलाया था आपने, कौन डॉक्टर को बुलाया था आपने? सर डॉक्टर ये चौबे सर है सर। राइट। और ये मैं उनका नाम भूल गया है सर, ये एक मिनट। चलिए एनी हाउ आपने डॉक्टर साहब को बुलाया था, वो नहीं आए, आप संतुष्ट नहीं यहाँ पर। क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? क्या कर रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है लग रहा है इनको। और सरकार के बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े अभी भी सरकार कहना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सब दवाई मिल रही है, कब से एडमिट है यहाँ? कब से एडमिट है आप? क्या नाम है आपका? श्रीपति लाल जी कह रहे हैं कि यहाँ पर दवाई नहीं मिल रही, मात्र एक बात खाना पूर्ति है। और देखते हैं सरकार आगे क्या कहना चाहती है। और आप यहाँ पर कौन है जी पेशेंट? चलिए आप क्या पेशेंट, आपके क्या, आपकी वाइफ है, कब से एडमिट है, क्या आपको फैसिलिटी मिल रही जो चाहिए, ट्रीटमेंट हो रहा सही? दवाई बाहर से कुछ फैसिलिटी नहीं। क्या नाम है आपका?
रामलाल जी कह रहे हैं कि कुछ भी केयर नहीं अभी तक, और सरकार के बड़े बड़े दावे, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या कहेंगे आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिनको आपने वोट दी थी, बड़े बड़े दावे दिखा रहे, क्या कहना चाहते हैं साथ साथ दौर में, क्या कहना चाहेंगे आप? कब एडमिट हुए थे आप? आज आपको जगह दिखाएंगे सर, प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट, आप असंतुष्ट है, ये देखिए ये भी खुश नहीं है पेशेंट आप, और आप क्या कहना चाहते हैं साहब? आपका नाम क्या है? यस सर, मेरा नाम शेर सिंह राणा है। शेर सिंह राणा जी, यस, यहाँ जो जो भी फैसिलिटियाँ हैं ये एक्चुअल फैसिलिटियाँ जो हमको यहाँ से मिलनी चाहिए, बन चुका है, असंतुष्ट है ये पेशेंट भी। आप सोच सकते हैं जब पेशेंट को ये हाल है तो। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? सतीश भाटी। कब से आप एडमिट हैं? मुख्यमंत्री कार्ड लगाया था इन्होंने, फिर क्या तीन दिन में कुछ भी नहीं हुआ मुख्यमंत्री कार्ड लगाने से, अल्टीमेटम आपको पैसा खर्च करना पड़ा पेशेंट को, कितने रुपए लगा आपका? चलिए क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, क्या होना चाहिए? ये सब दावे ये बता रहे फेक है, मुख्यमंत्री का कार्ड साथ में बीपीएल एपीएल कार्ड कुछ भी नहीं है, वास्तविक धरातल है। महेश बोगड़ा प्रीवियस चैनल, और मेरे साथ है दुर्गेश खंडूड़ी कैमरामैन। आप क्या कहना चाहते हैं? आप परेशान है आप पेशेंट, क्या नाम आपका? संजीव, क्या हो, कब से एडमिट, क्या हो गया? और स्वास्थ्य कार्ड लगाया था वो भी रिजेक्ट हो गया था, तमाम सरकार के दावे, और ये सब जो आज प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सारे पेशेंट लगभग नाखुश है पब्लिक, और सरकार अपनी ओर से कहती है कि हम सब फैसले दे रहे, हमने कार्ड बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। एक पेशेंट और हमें बुला के बोले, क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम आप? प्यारे लाल जी, कब से एडमिट है आप? कब से एडमिट है आप यहाँ? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? हम करना ये चाहते हैं कि जो स्वास्थ्य कार्ड हमको दिया गया है उसकी कोई महत्व नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ द कार्ड व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। स्वास्थ्य कार्ड एक इश्यू किया जाता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कहना है प्यारे लाल पेशेंट जी का। आखिर सरकार को ये जो कार्ड का सिस्टम है, ए बी डीपी कार्ड, बीपीएल कार्ड, व्हाटएवर द कार्ड इज रनिंग, व्हाट इज द वे, ऑल आर द रियली देयर इज नो वैल्यू ऑफ दिस थिंग। और सरकार से क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, किसको दोष देंगे आप? सरकार को देंगे, पब्लिक को देंगे, या जो हमारे प्रतिनिधिगण है? सरकार को प्रतिनिधिगण ही मिला, क्या कहना चाहते हैं आपके प्रतिनिधि? पूरा बजट हमारा इतनी मेंशन नहीं मिला, जो भी लोग क्या बोला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, इनका कहना है, उम्मीद करेंगे कि सरकार और जो धरातल पे कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। और तमाम पेशेंट नाखुश हैं। अगेन महेश पगड़ापुर एबीसी चैनल फ्रॉम उत्तराखंड उत्तराखंड, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन ओवर हियर, आई होप दैट दे विल जस्ट मेंटेन, दे विल लुक फोकस अवर even our constituencies, MP, MLA, whoever the concerning body, our doctors, and what the doctor will do, in fact, there is no facility, they are trying to do their best. Thank you very much for joining me over here, we are assembled from District Hospital, Uttarkashi. Chalte apne dusri mission ki or, 108 number ki gaadi ki or, collected ki tarah. काफी कुछ हमने काफी दो घंटे से मशक्कत करने के बाद हमें ये मिला है कि कुछ भी यहाँ पर वास्तविक थोड़ा शौचालय की भी बुरी हालत बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह राणा है सर। आप देख के आ जाओ, बाथरूम के लिए बुरे हाल है, देखते एक बार बाथरूम को जरा अपना कैमरा घुमा के आप देखेंगे, बाथरूम के भी बुरे हाल है, इतना पेशेंट देखने को मिल रहा है, और देखते हैं क्या गंदगी पड़ी हुई है, ये कंडीशन बहुत बुरी है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन बाथरूम के टूटे दरवाजे और ये सब देखेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टू यू होप इट विल मेंटेन, ये सब मेंटेन होगा। चलिए बहुत पुअर कंडीशन है, उम्मीद करेंगे ये ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।